नमस्कार सिटी के डेली न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य समाचार। पितृ विसर्जन अमावस्या के चलते दिल्ली देहरादून हाईवे पर बड़ी वाहनों की संख्या, बड़ी संख्या में हरिद्वार में लोगों का आगमन। हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भी हरिद्वार के प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। यहां पितरों के लिए पूजन करने के बाद उन्होंने कहा कि सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। यूपी पुलिस के सिपाही और भाद्राभाट टोल प्लाजा कर्मियों के बीच मारपीट। पर्ची पर गाड़ी के गलत नंबर डालने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने मैनेजर समेत 10 कर्मियों को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, अगर कोई मुझसे पूछे कि उत्तराखंड में अगर किसी एक जगह जाना हो तो कहां जाना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम जरूर जाएं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड आए सामने। वक्फ बोर्ड प्रदेश में चंदे से ली गई मदरसों की जमीन को वक्फ बोर्ड में शामिल करना चाहता है, जबकि मदरसा बोर्ड चाहता है कि मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड के समकक्ष मान्यता दी जाए। पिछले 12 साल से मान्यता का यह मामला चल रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उत्तराखंड ने फिर तोड़ी नशा तस्करों की कमर। भारी मात्रा में स्मैक की गई बरामद। पहाड़ की बेटियों के लिए मिसाल बनी उत्तराखंड की सृष्टि। फिल्म एक था गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ गैर फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार। आईआईटी रुड़की में थॉम्सो 2023 का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। देर शाम बॉलीवुड की मशहूर गायिका जोनिता गांधी ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। जोनिता गांधी के गीतों पर देर रात तक थिरकते रहे युवा। भगवानपुर पुलिस ने 112 ग्राम चरस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हुई कार्यवाही। 5 महीने के निचले स्तर पहुंचा भारत का फॉरेक्स रिजर्व्स। सोने से भंडार में भी आई गिरावट, आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। हरिद्वार एडीएम कोर्ट ने कुट्टू आटा का सैंपल फेल होने पर 50,000 का लगाया जुर्माना, जांच में पाई गई गड़बड़ी। रुड़की बाजार में कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर पुलिस का छापा, नकली फाउंडेशन और लिपस्टिक आदि सामान बरामद। हरिद्वार के लक्षर क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जहां घरवालों ने पहले प्रेमी जोड़े की धुनाई की और फिर पंचायत में शादी करवाकर विदाई भी की। इन्वेस्टर्स समिट में निवेश जुटाने को लेकर 15 अक्टूबर से मुख्यमंत्री धामी व प्रतिनिधिमंडल का दुबई दौरा। सीबीआई ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज घोटाला मामले में दर्ज किया मुकदमा। पूर्व डीएफओ और रेंजर के घर, प्रतिष्ठानों और दफ्तरों में की छापेमारी। इस बार नवरात्रि का शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दौरान माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में घर में अखंड ज्योति जलाई जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सर्विस हुई फिर से शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। फर्जी आईपीएस अधिकारी आया पुलिस की गिरफ्त में। कुलहाल पुलिस को फोन कर हिमाचल से अवैध खनन सामग्री लाने के लिए दबाव बनाने वाला फर्जी आईपीएस अधिकारी दून पुलिस के हत्थे चढ़ गया। योग गुरु स्वामी रामदेव इंडियाज गॉट टैलेंट्स के सीजन 10 में स्पेशल गेस्ट के तौर पर होंगे शामिल। इस दौर वह अबूझमाड़ मलखंब समूह में शामिल होंगे और कुछ उल्लेखनीय मलखंब करतब दिखाएंगे। शामली में यमुना नदी में 3 लड़के डूबे, एक को बचाया, 2 की तलाश जारी।